वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एम एस सी एम एस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन विस्कोसिटी फ्लूइड डायनामिक्स का मैं यूनिट सेकंड की क्लास फाइव करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको चार क्लासेस प्रोवाइड करवा दी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। उनके लिए अलग से मैंने प्ले लिस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है। और आज अपन क्लास फिफ्थ करने वाले हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट लिखे हैं। एक्चुअल में ये दो ही पॉइंट हैं, है ना। इन दोनों पॉइंटों को मैं आपको एक साथ करवाने वाला हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि ये आपसे 2014 में और 2017 में क्वेश्चन जो हैं दोनों कम्युनिकेशन से पूछे गए हैं। एक बार ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, एक बार ये 2017 में आपसे पूछा गया था। तो कॉम्बो पैक पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहो तो अपने प्रीवियस ईयर पेपर से उठा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं और आपको इसका फुली जो है डाइवर्जन मिलने वाला है। देखिए, मैंने इनको दो ही पॉइंट क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर भी प्लेन कोट की बात हो रही है, यहाँ पर भी प्लेन कोट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसने बोला है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्लेन कोट फॉलो और यहाँ पर जनरलाइज प्लेन कोट फॉलो। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है वो है ट्रिंगुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, और साथ में ट्रिंगुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आकर के हमारे सारे जो कंप्लीट हैं, हमारे जो टॉपिक हैं यूनिट सेकंड के, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आज की फाइनल क्लास होने वाली है यूनिट सेकंड के लिए। और इस प्रकार हम पेपर सेकंड विस्कोसिटी फ्लूइड डायनामिक्स में चार यूनिट कंप्लीट कर चुके होंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि आप SC मार्क्स जो हैं वो इजिली कैरी कर सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन तो यहीं से फंसने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमने कोई छोड़ा नहीं, तो क्वेश्चन बाहर जाएगा कैसे, है ना। सो गाइस, सवाल जो है आपसे किस तरीके से पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि ड्राइव द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनकम्पेरिजेबल फ्लूड इन ए ट्यूब। मतलब किसी ट्यूब के अंदर हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है हैविंग इक्विलेटर ट्रिंगुलर क्रॉस सेक्शन। साथ में हमें क्या बताना है, इक्विलेटर ट्रिंगुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में बताना है। इन सबको बताते हुए हमें प्रूव क्या करना है कि एंड प्रूव दैट 2/30, सॉरी ये 2/20 होगा, 30 नहीं 20 होगा। ओके, जस्ट ए सेकेंड, ये 3/20, इसका क्यूब बनेगा। तो हाँ, तो ये 3/20 PA² / μ। यहां तक जो ये सवाल है आपसे, ये आपसे पूछा गया था 2017 में आपसे सिर्फ यहीं तक पूछा गया था, आपसे यही प्रूव करवाया था। ये आपसे 2017 में पूछा गया था, और ये प्रूव ना करवा करके आपसे ये प्रूव करवाया था 2014 में। आप चाहो तो आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है तो वहां पे आप देख सकते हैं, यहां से पूछा गया था। और हमें पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, जैसे इसका प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो प्रोसेस तो एक जैसा ही है, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया, कॉम्बो बना दिया, ताकि आपको सिर्फ एक बार ही पढ़ना पड़े, है ना। यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जो पी है, ये जो पी दे रखा है, ये क्या है, प्रेशर है। ए जो है ये क्या है, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये बाउंड्री कंडीशन है किसी ट्रिंगुलर के लिए, किसी त्रिभुज के लिए। और म्यू जो है वो हमारी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है फ्लूड की, संयांता होती है फ्लूड की। ओके गाइज, सो गाइज अब अपन इसको करते हैं प्रूव। प्रूव करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है वो विस्कोसिटी फ्लूइड डायनामिक्स में अच्छे मार्क्स कैरी करने को मिल जाएं। और हमारी जो क्लासेज हैं वो पूरी तरीके से नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए समर्पित हैं, ताकि वो भी जो है रेगुलर के टक्कर में आ सकें, वहाँ मतलब उनके जितना मार्क्स जो है वो कैरी कर सकें। ओके गाइज, सो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें बात की है सबसे पहले ट्यूब के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप ट्यूब देख पा रहे होंगे, तो हमें बात कर लेते हैं कि चलो ठीक, ट्यूब के बारे में बात करें तो चलो ट्यूब के बारे में जान लेते हैं। सपोज दैट हमने कोई एक ट्यूब ली, आप इसको बेलन की तरह ले सकते हैं, आप इसको यहां पे देखिए, एक ट्यूब लेता हूं मैं। ठीक है, ये क्या है, एक ट्यूब है। ओके गाइस, इस ट्यूब के अंदर कोई फ्लूड है वो फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में,
हो रहा है, इसकी कोई रेडियस है, इसकी भी कोई रेडियस होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो ट्यूब वाला ये जो हिस्सा है इसको काट करके ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा बना दिया, इसको उठा लिया। तो फ्लूड जो है वो तो इसी गति से, यानी इसका जो आयतन है इस आयतन में ही फ्लूड जो है वो गति करेगा। तो इस आयतन को ही मैंने उठा लिया और फ्लूड जो है वो इस ट्यूब के अंदर जो है वो क्या करेगा, फ्लो करने वाला है। ओके, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा रोमांचित बनाने के लिए, मतलब आकर्षक दिखे, उसके लिए मैंने किया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ओके, ये जो हमारी ट्यूब है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो इसके पैरलर में होंगे। ओके गाइज, इस ट्यूब के अगर ऐसा होता है तो हमारे पास एक कंडीशन होगी जहां पर वाई बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और जैसे ही हम उसकी कुछ आयतन होगा उसका, उसकी कुछ हाइट होगी, उस हाइट में क्या होगा, वाई बराबर एच होगा। ये हमारे पास दो बाउंड्रीज होंगी, एक बार वाई बराबर जीरो और एक बार वाई बराबर एच। तो हमने अभी तक जो मैंने आपको बोला है वो मैं लिख करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ना कि एग्जामिनर को सपना आएगा कि भाई बंदे ने इसको ये चीज़ बोला है, क्या पता एग्जामिनर कुछ और सोच रहा हो। अगर आप उसको लिख देते हैं तो अगर वो थोड़ा बहुत भी उसको पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये बात तो ट्यूब के बारे में हो रही है। ओके, तो मैं बताता हूँ कि अब तक मैंने क्या लिखा है वो चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर ए फ्लो पैरेलल बिटवीन प्लेट्स या ट्यूब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज अलोंग विद ऑफ प्लेट्स या ट्यूब। ओके, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था बस वो मैंने आपको लिख करके बताया, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा इसलिए। ओके गाइज, अब अपन क्या करने वाले हैं, बात हो रही है एक्स वाई और जेड एक्सिस की, है ना। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर वी बराबर जीरो होगा, डब्ल्यू बराबर भी जीरो होगा, वी यू वी और डब्ल्यू, ये हमने जो अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है उसमें जो डायरेक्शन सीन होते हैं ना, बस उसी के लिए यू वी और डब्ल्यू है। ओके, तो इस कंडीशन में गाइज होगा क्या, ये हमारा सिग्नेशन पॉइंट होता है यहाँ पर, और जो प्लेट थी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई थी, ट्यूब जो है वो, ठीक है। इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में ये होगा कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें ये जो जेड है ये होता है इंडिपेंडेंट, मतलब इसके ऊपर तो कोई काम हो ही नहीं रहा, यहाँ पे एक्स और वाई इस दो पे काम हो रहा है, तो ये वाला जो जेड एक्सिस है ये हमारा क्या है, ये जो इनवेरिएबल ये क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा, ये फ्री है। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, व्हेन ऑल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन जेड, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, यू इक्वल टू यू एक्स वाई होगा। भाई एक्स और वाई के लिए हो रहा है तो यू बराबर यू एक्स वाई होगा, अगर ऐसा होता है तो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वी इक्वल टू जीरो है और डब्ल्यू इक्वल टू जीरो है, अगर ये नहीं होता तो शायद डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो नहीं होता, और अगर ऐसा हो गया तो ये हमारी क्या होती थी, एक कंडीशन होती थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए। अगर हम इसको पी यानी प्रेशर की फॉर्मेट में लेके जाएं तो ये क्या बनेगी, हमारे पास पी इक्वल टू पी एक्स वाई बनेगी। ओके, ये वाली कंडीशन हमें याद रखनी है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है गाइस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब तक तो आपको याद हो गई होगी क्योंकि हमने यूनिट फर्स्ट फर्स्ट से इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, फर्स्ट के बाद में थर्ड में पढ़ा, थर्ड के बाद में फिफ्थ में पढ़ा, और अब अपन सेकंड में पढ़ रहे हैं, तो चौथी यूनिट यहाँ पे फिनिश होने को जा रही है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन या नाइवर स्टोक्स इक्वेशन, हर बार हर यूनिट में जिक्र हुआ इनका, हर बार हर यूनिट में जिक्र हुआ, तो आई होप सो कि अब तक आपको याद हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं चलो आपको बता देता हूँ। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, होती है डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पर अपन सिर्फ टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं एक्स और वाई के लिए, तो यहाँ पर हम हमारी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी वो सिर्फ यहाँ तक होगी, यानी एक्स और वाई वेरिएबल्स के लिए ही होगी। तो टू वेरिएबल्स के लिए क्या होगी, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब गाइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो v है ना, v भी जीरो है और w भी जीरो है, अगर इस कंडीशन में ये दोनों फंक्शन जीरो होंगे
यानी वी तो जीरो हो ही गया, और प्रेशर अगर वी इक्वल टू जीरो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास पी इक्वल टू पी एक्स वाई होगा टू वेरिएबल्स के लिए। अगर ऐसा होता है तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, प्लस डेल यू, यू तो हमारे पास काम में ले रहे हैं हम, प्लस वी की वैल्यू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो ये मान मिलेगा हमें यहाँ पे। क्यों हुआ, क्योंकि वी तो क्या है, जीरो है और पी कॉन्स्टेंट है। ओके, यहाँ पे पी क्या था, कॉन्स्टेंट राशि थी, प्रेशर जो वो कॉन्स्टेंट था, इसलिए हमने पी को कॉन्स्टेंट लिया तो ये जीरो, और वी की वैल्यू हमें यहाँ पे जीरो गिवन है, इस वजह से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या नाइवर स्टोक इक्वेशन, ठीक है। नाउ यूजिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए होगी, तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए ही मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं यूज में कौन सी लेनी है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी भाई, एक्स डायरेक्शन के लिए रो डी यू अपॉन डी टी बराबर रो एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू, ये म्यू है और ये यू है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे ये जो एफ एक्स है ना, ये क्या है, एक्शनल बॉडी फोर्स को डिनोट करेगा, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। एक्शनल बॉडी फोर्स मतलब जो अपना बाह्य बल जो होता है ना, वो उसकी बात हो रही है। अगर मैं बात करूँ वाई डायरेक्शन में, उस कंडीशन में क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे ये v होगा d अपॉन डी टी बराबर रो एफ वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस म्यू डेल स्क्वायर v, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। और z डायरेक्शन की यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो क्या होगी, रो d u v w अपॉन डी टी इक्वल टू रो एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस म्यू डेल स्क्वायर डब्ल्यू, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अब गाइस यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वो होती थी, वो क्या होती थी, डेल अपॉन डेल टी होता था, लेकिन यहाँ पे डी अपॉन डी टी क्यों लिया है, इसके पीछे भी रीजन है। और ये जो डी अपॉन डी टी होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेयर डी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी प्लस यू, ये कैपिटल यू है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो, ये होता है। और डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये आपको पता ही है, तो मैंने इसे जनरली बता दिया, बाकी ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, अब देखिए गाइस, ये जो डेल स्क्वायर की वैल्यू है ये, और ये डी अपॉन डी टी है, ये हम इस इक्वेशन के अंदर रखने वाले हैं, या तो आप टू के अंदर रख लो, या आप थ्री के अंदर रख लो, या फिर फोर के अंदर, जो आपकी इच्छा वहां पे आप रख सकते हो, लेकिन वहां पे फिर कोऑर्डिनेट जो चेंज होते जाएंगे। मैं यहाँ पर इक्वेशन टू में रख रहा हूँ डेल स्क्वायर की वैल्यू और डी अपॉन डी टी की वैल्यू, तो यहाँ पे अपन बात करें सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो सिर्फ हम एक्स वेरिएबल को ही काम में लेंगे, ना कि वाई और जेड को। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे जैसे डेल स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू रख के आपको बताना चाहूँगा एक बार, तो यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है वाई और जेड के, इनको यूज में नहीं लेंगे, सिर्फ इस फंक्शन को यूज में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करें सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, साथ में डी अपॉन डी टी की वैल्यू भी एक्स वेरिएबल के लिए यहाँ पे पुट करेंगे, करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक बार। जैसे ही वहां से उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हमें वहां से यू की वैल्यू निकालनी है। आपका टाइम बचे उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको यू की वैल्यू बता रहा हूँ, ओके, ये काम आप खुद करने वाले हैं अपने लेवल पे। तो यू की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यू बराबर टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी। यहाँ पे ये जो ए और ये जो बी है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट राशियां हैं। ओके, इसको नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर फाइव। अब गाइज हम लेंगे बाउंड्री कंडीशन यूज में, क्योंकि हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस थी प्लेट्स के लिए। जब हमने एक प्लेट ड्रॉ की थी, हमने एक ट्यूब बनाई थी, तो उस पर हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन थी, एक वाई बराबर जीरो था, एक वाई बराबर एस था, ठीक है। नाउ वी यूजिंग फॉर बाउंड्री कंडीशन, ठीक है।
इस फंक्शन के लिए लेंगे हम बाउंड्री कंडीशन। तो हमारे जो बाउंड्री कंडीशन है जब हम यूज में लेते हैं तो यू की वैल्यू वहां पे जीरो होगी, वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई। अगर वाई की वैल्यू एक बार पहले फंक्शन की मैं बात करूं, पहली कंडीशन अगर बाउंड्री यूज में लेते हैं वाई इक्वल टू जीरो है ना, वाई इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा ये, प्लस ए और वाई की वैल्यू फिर से जीरो, प्लस बी कॉन्स्टेंट राशि। ओके अब ये वाला पूरा फंक्शन जीरो, ये वाला पूरा फंक्शन जीरो, तो यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जीरो, जब मैंने वाई इक्वल टू जीरो यानी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज में ली तब। अब हम लेंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पर मैं इसको नाम डाल देता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ केस सेकंड, केस सेकंड क्या है वाई बराबर एच। अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या रखना आपको एच रखना। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यू इक्वल टू वन अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे वाई की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वाई की वैल्यू रखूँगा तो वाई इक्वल टू एच, एच तो एच स्क्वायर और टू जो हमारा यहाँ था ये टू, प्लस ए एच और प्लस बी। ओके ए एच प्लस बी, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बाउंड्री कंडीशन यूज में ली, पहले वाई बराबर जीरो ली इस वाले फंक्शन में, ठीक है यूजिंग इक्वेशन फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी इक्वल टू जीरो आ गया, फिर हमने वाई बराबर एच लिया जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो वाली, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें छोटा सा काम करेंगे, हमारे पास बी की वैल्यू है तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू रख देते हैं, तो वाई बराबर वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई टू प्लस ए एच। यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके जीरो है तो जीरो ऐड करेगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन गए जी यहाँ से, ये जो हमें इक्वेशन मिली है वाई बराबर एच रखने पर, यहाँ से अपन ए एच की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ए एच की वैल्यू बता देता हूँ। ए एच की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, ए एच इक्वल टू यू, उस साइड जाएगा तो यू माइनस का वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए एच की वैल्यू आएगी और यहाँ से फिर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यू अपॉन एच माइनस वन अपॉन टू म्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एच स्क्वायर बाई एच। यहाँ से एक एच ब्रेक होगा तो मेरे पास यू अपॉन एच माइनस वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू एच, यहाँ पर ये ए की वैल्यू आएगी। अब ये जो ये वाला जो एच था ना, इसको इसकी साइड में भेजा है बस, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल। ओके तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके आ जाती है ए की, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, हमने जो कांस्टेंट वैल्यू थी हमारे पास, जो हमारे पास कांस्टेंट मिले थे इंटीग्रेशन करने के बाद में, हमने उनकी वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू जीरो आई और ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। अब गाइस अपन क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू ए और बी हैं उनकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फाइव में पुट करेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फाइव में वैल्यू रखते हैं और थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद हमें वहां से यू की वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो देखिए इक्वेशन फाइव में रखेंगे तो बी की वैल्यू तो हमारे पास जीरो है ही है ना, तो बी की वैल्यू जीरो रखें रखनी पड़ेगी, चलो बी की वैल्यू जीरो रख देते हैं साथ में ना। तो हमारे पास यू बराबर वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है, यू अपॉन एच माइनस वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू एच, और साथ में वाई था प्लस बी की वैल्यू जीरो। ओके इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व, वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस इस वाई को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइज, यू अपॉन एच इंटू वाई माइनस वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स एच वाई। ओके बी की वैल्यू जीरो थी। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, यहां से मैंने क्या किया, यू बराबर वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन आ सकता है, ये दोनों में सेम फंक्शन है कॉमन आ सकता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा,
वाई स्क्वायर माइनस एच वाई बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये यू वाई अपॉन एच, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं एच स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ, गुणा और भाग कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एंड डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक है, इस वाले फंक्शन को, सिर्फ ये जितना सा फंक्शन है ना हमारा, इस वाले फंक्शन को, तो इसको जब मैं एच स्क्वायर से गुणा और भाग करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन अच्छा निकल के आ जाएगा, है ना। इसलिए यू बराबर यू इंटू वाई अपॉन एच प्लस वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ से मैंने एच स्क्वायर से क्या किया, गुणा किया, गुणा कर दिया, यहाँ से ये वाई स्क्वायर था, ओके, भाग भी करना है तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एच, ठीक है। अब ये वाई अपॉन एच कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर अगर मैं एच स्क्वायर से भाग लगाता हूँ तो ये वाला एच उस एच को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और वहाँ पे तो दो एच हैं तो एक एच को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एच बचने वाला है, ओके। इस वाले फंक्शन को एच स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इस तरीके से फंक्शन आएगा, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया को इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर सिक्स में मैंने क्या किया, लेट पी इक्वल टू वन अपॉन टू म्यू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू एच स्क्वायर, ये मैंने माना, और यहां से मेरे पास यू इक्वल टू यू इंटू वाई अपॉन एच प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एच फंक्शन मिल गया हमें, ठीक है। एक बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है, सिर्फ इतना ही फंक्शन आपसे पूछा गया था, अभी मुझे ध्यान नहीं है कब पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, हो सकता है आपसे यूनिट थर्ड में भी पूछा गया हो, अब आई हैव नो आइडिया, बट ये पूछा गया था, मुझे इतना याद है ना। तो ये वाला फंक्शन हमने इस तरीके से निकाल लिया, ये देखिए यहाँ पे पी, यहाँ पे पी कहाँ से आया, ये जितना जो फंक्शन था ये वाला, इसको मैंने पी माना, ओके, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए था इसलिए, तो यहाँ से हमारे पास यू की वैल्यू ये निकल करके आ गई। अब अपन बात कर लेते हैं गाइस थोड़ी सी, हमारे पास ये जो पी है ना, इस पी की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उन कंडीशंस के ऊपर हमारा जो यू है वो क्या वैल्यू जो है वो लेकर के आएगा, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हमारे पास तीन कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। कंडीशन कुछ इस तरीके से बनने वाली हैं, जैसे भाई हमने हम एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ पर कोई प्रेशर बने लाइक दैट, इसके ऊपर भी लाइक दैट कोई और प्रेशर ये साइड पे, है ना, कुछ एक फ्लो में चलने वाला है ये, आप इसको जितना चाहो बढ़ा सकते हो, क्या बन गया ये देखो, कुछ बन गया है ना, बना दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, ओके। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव सेंस है, तो P इक्वल टू यहाँ पे वन होगा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दो होगी, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ऋणात्मक होगी, और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू फिर ऋणात्मक होने वाली है, ओके। ये डायग्राम इस तरह आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, इसमें अपना केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट होगा अगर ये प्रेशर बढ़ता है, मतलब सॉरी अगर ये प्रेशर घटता है, इंक्रीज हो डिक्रीज होगा व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, स्पेलिंग एरर हो सकती है बच्चा, हो सकती है इसमें तो हो ही गई है ना डिक्रीजिंग में, चलो इसको सही करते हैं ना, डी सी आर ई ए एस आई एन जी, ठीक है, ये अब सही है, डिक्रीजिंग, जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा उस टाइम पर हमारे जो डायरेक्शन, मतलब उस टाइम पर क्या होगा, जो फ्लो है डायरेक्शन, मतलब सॉरी फ्लो की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वो नहीं होगी, पॉजिटिव होगी उसकी वेलोसिटी, उसकी जो संयामता है वो क्या होगी, उसकी पॉजिटिव होगी। वापस सुनिए एक बार, जब प्रेशर कम होगा उस टाइम पर फ्लो की जो हमारा जो फ्लूड है उसकी डायरेक्शन जो है और उस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यही यहां पर यही मैं लिखने वाला था, व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो
देन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे आपको पॉजिटिव नाम लिखना है, पूरी स्पेलिंग POSSITIVE है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा, पी जो है वो ग्रेटर होगा जीरो से, डिक्रीजिंग हो रहा तो तब डीपी अपॉन डीएक्स जो है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। के सेकंड क्या होगा, अगर हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो, इंक्रीजिंग हो, बढ़ रहा हो, प्रेशर जो है वो क्या हो, इंक्रीजिंग हो, बढ़ रहा हो। जब प्रेशर बढ़ेगा, ये आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है, ये वाली, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, ये डिक्रीजिंग के बजाय यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीजिंग करना है। तो जैसे ये इंक्रीज होगा उस टाइम पर हम जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्लो की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आपको लिखनी है, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो देन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, डीपी अपॉन डीएक्स जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, इस चीज को याद रखना है। केस थर्ड क्या बनेगा हमारे पास, तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई, ये बढ़ेगा तो ये इस साइड जा रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा, कम हो रहा है तो इस साइड पॉजिटिव में जा रहा है। अब बढ़ेगा तो प्रेशर, अगर बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन अगर ये जीरो हो उस टाइम पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर होगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, यानी कि पी इक्वल टू अगर जीरो हो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क ना पड़े, तब क्या होगा, तब हमारे पास डी पी अपॉन डी एक्स जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा जीरो से, ये क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब ठीक है, अपन इसको लीनियर बोलने वाले हैं। तो ये हमने बात की उस प्रेशर के बारे में जो हमने वहां पे यूज में लिया था, ये भी आपको बताना है। इसको अपन नॉन डोमिनेशनल प्रेशर के बारे में जानते हैं, बोलते हैं, ये क्या है, नॉन डोमिनेशन प्रेशर। जो मैं जब अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वहां पे पी यूज में लिया था ना, ये वही वाला प्रेशर है। ठीक है, इस प्रेशर की कंडीशंस के बारे में हमने यहाँ पे पता जाना है कि कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, प्रेशर जब वो किन किन डायरेक्शन में मूव होगा, जब मूव होगा तो उसकी कंडीशंस, उसकी डायरेक्शंस क्या होगी। ठीक है, तो वही हमने जाना है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट जो वो कम्प्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में, अब अपन बात करेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इक्विलेटर की बात हो गई, ट्राइंगल की बात हो गई, तो भाई जाहिर सी बात है अब हमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज के बारे में, है ना। चलो जानते हैं ये त्रिभुज के बारे में, तो बात करते हैं भाई साहब एक ट्रायंगुलर के बारे में। त्रिभुज तो आपने देखा ही होगा सभी ने ना, कुछ इस तरीके का होता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण करते हैं ना, और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण, 90 से अधिक को अधिक कोण। चलो ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में हमने कोई पॉइंट दे दिया ए बी और ये सी, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 2a और 0, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने माना x प्लस 2a अपॉन रूट 3। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पॉइंट कहाँ से आए, आप सोच रहे होंगे पॉइंट कहाँ से आए, तो ये पॉइंट अपने पाइथागोरस आपने सुना होगा, वहां से प्लस 10th क्लास में, तो ठीक है 10th की बात नहीं करेंगे, जब बीएससी एमएससी पढ़ रहे हैं तो, है ना, तो बीएससी में शायद अपन ने इसको पढ़ा था, बीएससी सेकंड ईयर में अपन ने इसको पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, है ना। तो वहां पे हमें कुछ पॉइंट दिए हुए होते थे, तो अगर पॉइंट नहीं दिए हुए हैं तो हमें ये पॉइंट वहां पे मानने पड़ते थे, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यही पॉइंट निकल के आने वाले थे। ठीक है, यहां पर ये फ्लो है,
ये फ्लूड है, ये फ्लूड डायरेक्शन में कुछ डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक वाई कंडीशन होगी और इस वाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव एक्स प्लस टू ए अपॉन रूट थ्री, ठीक है, ये पॉजिटिव होगी यहाँ पर। और ये कोई मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे, जीरो जीरो होने वाले हैं। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये चीजें क्यों अपन ने यूज में ली हैं, इसका देखो वैसे तो कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन सिर्फ फिलहाल इतना ही जान लो कि पाइथागोरस प्रमेय जो अपने यूज में लेते हैं वहीं से हमने इन अवमानों को प्राप्त किया है। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, हमने ट्रिंगुलर लिया है ये, ठीक है। तो ये जो ट्रिंगुलर है इसमें हमने एक अक्ष जो पैरेलल होता है, ठीक है, एक्स अक्ष के थ्रू जब ये फ्लूड जो है वो गुजरेगा, एक्स अक्ष के थ्रू गुजरेगा, तो जेड अक्ष पर क्या होगा, इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो इसके सेंटर के ऊपर होने वाला है, ठीक है। जब ये फ्लूड, ये जो ट्रिंगुलर वाला फ्लूड एक्स एक्सिस पर गुजरेगा तो जेड एक्सिस के ऊपर इसकी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, सेंटर के ऊपर होगी, और एक्स और वाई जो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इसके दोनों साइड से। ओके, ग्रेविटी जो वो क्या होगी, सेंटर के ऊपर होगी, एक्स और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के इन दोनों साइडों में। तो उस टाइम पर हमारे पास जो बाउंड्रीज होंगी, उन बाउंड्रीज को यूज में लेने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ओके, इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, यहाँ पे पहली बात तो ये कि इन चीज़ों को बताना है आपको कि ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। ओके, मैं चलो एक बार बता देता हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए वीडियो को प्यूज करते हैं, उसके बाद आता हूँ वापस लौट के। जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रिपीट कर देता हूँ। लेट अस कंसीडर ए ट्रिंगुलर टू बी टू ए रूट थ्री, द जेड एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की हमने बात की थी कि ग्रेविटी जब ये जेड एक्सिस से गुजरेगा तो उस टाइम पर हमारी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, सेंटर के ऊपर होगी। एक्स वाई इज द परपेंडिकुलर टू द टू साइड्स, परपेंडिकुलर होंगे। द इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्री इन दिस केस विल बी, ठीक है, तो इस हमारी जो बाउंड्री इक्वेशन होगी इस केस के अंदर वो क्या होगी, वो हमारे पास होने वाली है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस थ्री रूट वाई प्लस टू ए, और एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस टू ए इक्वल टू जीरो। अब ये कहाँ से आई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वहीं से हमने इसको निकाला है। ओके, अब इसके लिए ये जो फॉर्मेट है इसके लिए जो लाप्लास इक्वेशन क्या होगी, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास, इसके लिए लाप्लास इक्वेशन क्या होने वाली है, लाप्लास इक्वेशन के लिए हमने साइन कॉन्स्टेंट ए एक्स क्यूब एक दो तीन एक्स क्यूब माइनस एक दो तीन थ्री थ्री एक्स वाई और वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी कांस्टेंट, ठीक है, इसको मैंने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। ये हमारी बाउंड्री कंडीशन के लिए इक्वेशन आई, इस इक्वेशन का हमने लाप्लास इक्वेशन निकाला, लाप्लास इक्वेशन हमारे पास ये आया। ओके, अब ए और बी जो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट, ये एक क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इनके लिए कुछ बाउंड्रीज होगी, और अगर कुछ बाउंड्रीज होंगी तो उस बाउंड्रीज के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी वो मैं बता देता हूं। द कॉन्स्टेंट ए एंड बी विल बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास लाप्लास की इक्वेशन क्या आएगी, साइन इक्वल टू पी अपॉन फोर म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर बी। अब एक्स बराबर अगर ए, बाउंड्री जब हमने सवाल स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था एक्स बराबर ए, ये क्या है, ये बाउंड्री है, कंडीशन है। ओके, तो एक्स बराबर वही हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में भी हमें गिवन है एक्स बराबर ए, ये क्या है, एक बाउंड्री है, इट्स ए पार्ट ऑफ बाउंड्री। अब यहां पे x बराबर a हो ये जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अगर x बराबर a होगा तो यहां पर अपन क्या रखेंगे, x की जगह a रखेंगे, और हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन बराबर p अपॉन 4 म्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
ये वाली वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी इस इक्वेशन के, जो हमारी जो ओरिजिनल जो हमारी लाप्लास इक्वेशन है उसके, तो ए इंटू ए क्यू माइनस 3x, x की जगह ए वाई स्क्वायर प्लस बी। ओके, ये जो ए है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। मेरे पास क्या था, मेरे पास था, हमारे पास वैल्यू थी पी अपॉन 4 म्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब थी, जब हमने बाउंड्री कंडीशन जो है वो ए मानी थी, है ना, ए क्यू माइनस ए एक्स वो ये 3, यहाँ पे ये 3, ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी, इसे ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली सी प्लस बी। ओके, तो यहां से हमारे पास आप देख पा रहे होंगे ए ए क्यूब प्लस बी, ठीक है, बराबर 3 ए वाई स्क्वायर। यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो और क्या बच गया हमारे पास, 3 ए स्मॉल ए भी बच गया है ना, और ये पूरा फंक्शन किस चीज के बराबर होगा भाई, अब देखो कंपेयर करते हैं इसकी और इस फंक्शन के साथ में, है ना, इसकी इस फंक्शन के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए ए क्यूब प्लस बी इक्वल टू पी अपॉन 4 म्यू, और यहाँ से ये ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सी। और जब इसकी इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3 ए स्मॉल ए इक्वल टू पी अपॉन 4 म्यू, इसको नाम दे दिया डी, ठीक है। और यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -p अपॉन 4 चतुर्थ ए म्यू, ठीक है। यहां से ए इस एक यहां से ये वाली ए निकालेंगे, इस ए से ये वाला मान यहां पे रखेंगे, यहां से फिर ए से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से कैपिटल ए की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब ये जो ए की वैल्यू आई है ना, ये हम इक्वेशन नंबर सी में रखेंगे भाई, यहां से ए की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो माइनस का 3 और ये ए इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 a μ, और ये पी एस अगर माइनस माइनस। ओके, अब ये जो ए की वैल्यू है ये यहां पे रखेंगे, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सी, तो यहां पर अपन इसको रखेंगे -p अपॉन 12 a μ इंटू ए क्यूब प्लस बी इक्वल टू पी अपॉन 4 μ ए स्क्वायर, ठीक है, ए से ए स्क्वायर कटेगा तो -p ए स्क्वायर अपॉन 12 μ प्लस बी बराबर पी अपॉन 4 μ इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे सिर्फ b की वैल्यू, तो इस वाले फंक्शन को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, b इक्वल टू पी अपॉन 4 μ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर अपॉन 12 μ, ठीक है। और इसका थोड़ा सा और सोल्यूशन देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो आएगी पी ए स्क्वायर अपॉन 3 μ। यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके और इसको सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी पी ए स्क्वायर अपॉन 3 μ। ओके, अब हमारे पास ए और बी दोनों वैल्यू आ गई, इस दोनों वैल्यूज को हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए में रखेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन ए, तो यहां से हमारे पास साइन की वैल्यू आएगी -p अपॉन 12 a μ एक्स क्यू माइनस 3xy² प्लस पी ए स्क्वायर अपॉन 3 μ, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ई, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ई। बट गाइज आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब हमने लाप्लास इक्वेशन पढ़ा था वहां पर ओमेगा यानी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो लाप्लास इक्वेशन के बराबर हुआ करती थी, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी का जो मान है वो लाप्लास इक्वेशन का जो मान होता था वही होता था सेम। तो मैं यहाँ से आपको बोल सकता हूँ ना कि नाउ वी यूजिंग फॉर इक्वेशन नंबर जो ए है हमारी, वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमने वहां पर हमारी वैल्यू थी साइन की क्या थी, साइन इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस बी, ठीक है। नाउ यूजिंग
लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो वहां से हमारे पास ये वैल्यू, तो ये जो पूरी वैल्यू ये किसके बराबर होती थी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर होती थी। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना कि ओमेगा की वैल्यू भी क्या होगी, ए एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी होगी, बोल सकता हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे भाई, ये जो साइन है ये इसके बराबर था। तो यहां पर अगर मैं पूरे फंक्शन की वैल्यू रखूं तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन और ओमेगा क्या दोनों बराबर, यानी लाप्लास इक्वेशन का जो मान है वो एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या होंगी, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू ये क्या आएगी, माइनस पी अपॉन ट्वेल्व ए म्यू इंटू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर अपॉन थ्री म्यू, मुझे म्यू लिखने में बहुत दिक्कत आती है, माइनस पी अपॉन फोर म्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो मेरे पास फंक्शन आएगी ओमेगा की माइनस पी अपॉन ट्वेल्व ए म्यू इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू ए और एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस टू ए। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी इसका कोई वैसे यूज नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन है वो आप रहने भी दे सकते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको आप चाहो तो रहने भी दे सकते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इसका ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये इस वैल्यू का हम करने वाले हैं आयतन निकालेंगे। इस ये जो फंक्शन हमारे पास आया था इक्वेशन नंबर ई जो हमारे पास आया था, इसका अपन आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, जो हमारा ट्यूब थी, जो हमारा ट्रायंगुलर था, मैन ऑफ द है कि वेलोसिटी जो हमें निकालनी है, वो वेलोसिटी तो यहाँ तक हमारे पास आ गई है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है ना भाई, साइन और साइन क्या है, लाप्लास मान है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें पूछी थी, तो लाप्लास इक्वेशन का मान जो वो एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने एंगुलर वेलोसिटी जो बता दी, इक्वेशन नंबर ई तक हमारा काम हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं इसके रेट ऑफ वॉल्यूम के बारे में, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इसलिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता है इक्वेशन नंबर ई तक। ठीक है, इस चीज़ को आप खुद अपने लेवल पर ध्यान रखेंगे। अब अपन निकालते हैं इसकी वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज गिवन बाय, तो ये क्या होगा भाई, थीटा, थीटा इक्वल टू डुअल समाकलन ओमेगा, डायरेक्शन थी डी एक्स और डी वाई, सिर्फ हमारे पास दो ही डायरेक्शन थी इसलिए डी एक्स और डी वाई। ओके, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन और मान, सिंपल। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास लिमिट्स जो है वो दो टाइप सी होंगी। हमने यहाँ पे दो लिमिट्स के सेशन इसलिए काम में लिए हैं कि एक तो लिमिट होगी हमारी जीरो से, सॉरी ए से टू ए तक, और दूसरी लिमिट होगी जो हमारे पास दो बिंदु दिए हैं ट्रायंगुलर की, उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, पहली लिमिट हमारी टू ए से ए की होगी, दूसरी लिमिट हमारी जो है वो होगी माइनस एक्स प्लस टू ए अपॉन रूट थ्री से प्लस के एक्स प्लस टू ए अपॉन रूट थ्री तक। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, पी अपॉन ट्वेल्व म्यू ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस टू ए इंटू एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस टू ए, ये रूट है, इस रूट का आप ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, ये हो गया ओमेगा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, और डी एक्स और डी वाई तो हमारे पास था ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर देते हैं इसका अवकलन थोड़ा सा, वैसे तो ये समाकलन का चिन्ह आ गया, अवकलन बोल रहा हूँ मैं ना। देखिए यहाँ से पी अपॉन ट्वेल्व म्यू ए को बाहर ले लेते हैं, है ना, थीटा इक्वल टू माइनस माइनस पी अपॉन ट्वेल्व म्यू ए बाहर, और लिमिट है पहली है टू ए से ए तक, और दूसरी क्या होगी, दूसरी लिमिट्स क्या होगी, पहली लिमिट्स को बाहर रखते हैं और दूसरी जो है वो इस फंक्शन के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना, तो दूसरी होगी जीरो से एक्स प्लस टू ए अपॉन रूट थ्री तक। ठीक है, अब ये हमारे पास सिर्फ ये वाला फंक्शन बचा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस टू ए, और क्या बचा साथ में, एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस टू ए,
ठीक है, और dx और dy, है ना, dx और dy। जब हम ये वाली जो हमारी लिमिट सही इस फंक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और ये वाली फंक्शन, ये दोनों इस फंक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे दोनों लिमिट्स, ठीक है, तो हमारे पास जो मान आएगा वो मैं आपको सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको ये जो लिमिट्स हैं ये अपने लेवल पे रखनी है और उसके बाद में इसका सोल्यूशन देना है। जो फाइनल रिजल्ट आने वाला वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास जो है 45 मिनट की हो चुकी है, बोरिंग हो जाएगी थोड़ी सी, इसलिए डायरेक्ट आपको मान बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 27 P a की पावर 4/20 √3 म्यू आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो इसको जब दोनों लिमिट्स यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला मान आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा 2017 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं 2014 की। यहाँ पे देखिए थीटा बराबर हमारे पास 27 P a की पावर 4/20 √3 म्यू आया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 27 है ना, इसको मैं कुछ और तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर × 3, वह 3 × 3 9 9 27, ठीक है। P a की पावर 4/20 √3 × μ लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब इसके साथ मैंने क्या किया, इसके साथ गाइज मैंने एक छोटा सा गेम खेला। वो गेम क्या था, चलो इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये जो 27 है इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये जो P है ना इसको तो एक बार बाहर ले लिया, ठीक है। हमारे पास बचा 27 a की पावर 4/20 √3 × μ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 9 × 3 a की पावर 4, और पी एच दिस एच अपॉन 20 √3 × μ लिख सकता हूँ। ये 9 है, ये a है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 9 × √a² जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो, ठीक है, रूट करूँगा तो सॉरी 20 √3 μ × p, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख पा रहे होंगे जब इसका रूट हटेगा तो हमारे पास क्या फंक्शन आएगा, थीटा इक्वल टू 3 √3 a² × p/20 √3 μ, ठीक है। यहाँ से भाई इसको क्या लिखूंगा मैं, ये रूट से बाहर आएगा तो ये 3 बनेगा, और ये √3 एज दिस एज, ये a² और ये p, और ये 20 √3 μ। अब आप यहाँ से ये √3 √3 ब्रेक, तो हमारे पास बचेगा 3/20 a² p/μ, और ये हमारा क्या था, 2014 का सॉल्यूशन था, ठीक है। आप इसको चाहो तो और एक तरीका और भी है, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई नई तरीका हो तो वहां से आप इसको ब्रेक करके 3/20 a² p/μ में भी ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई क्लास समझ आई होगी। आपको अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स जो एग्जाम में कैरी कर सकें। और इसी के साथ हमारी यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट होती है। अब अपन बात करेंगे यूनिट फोर्थ के बारे में, और फोर्थ थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि कभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कभी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन सकता है, बट डोंट वरी, हम उसको बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।